started this journey 10 years back, very few stalls were there at this platform. Today, seeing more than 250 stalls at single roof, under one roof, it's a big journey. So it's a great achievement for ourselves also. And in this particularly 10th year, I think so, I can say it has been a great success, because from 2 days what I am listening to the clients and the other people, my friends, everyone is saying that we have got a very good response from each and everyone. And the way what I have got the clients this year, it's tremendous big boost, we can say. Very best wishes to the Radiant event, because today this is a very long journey, and for completing its first decade of in this industry, fashion jewelry world. And I must thank Devaraji and Abhishek for all the best wishes to complete this heavy long journey in this, particularly joining hand with Art India. So this is a very great achievement for Art India also, because to continue with both the hands, it's a really feeling very good today. And we can say after this 10 years, the next journey is again a different type of journey. We can say how a girl baby grows. Now the girl have grown up, and now we are going to be in the different world again. Now this girl, after 10 years, she should grow up and go to the international level. मैं राहुल बर्जादिया, मेरे को इस बात की बहुत खुशी है कि ये साल IIFJS का 10th year, उसके टाइटल स्पॉन्सर बनने का हमको मौका मिला. उसके लिए मैं तहे दिल से अभिषेक जी का और उनके फादर का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ. इस साल का मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, हमको अच्छे क्लाइंटेज मिले, और ये फैशन शो के जरिए हम अपनी ज्वेलरी को और अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाए. अच्छा क्राउड था, जिसकी वजह से हमको एक अच्छा एक लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिला और बात करने का मौका मिला, अच्छे क्लाइंटेज मिले. उम्मीद करता हूँ कि आगे भी इस तरीके के इवेंट्स ये करते रहेंगे, उसमें हम लोग पार्टिसिपेट करते रहेंगे, और हम आगे और भी इससे बेटर कर सकें. रेडियंट से और अच्छे की उम्मीद करते हैं. इसमें जो ये एग्जीबिशन है, उससे हमको ऑल ओवर द वर्ल्ड के लोगों से, के बायर्स के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है, अच्छे बायर्स मिलते हैं, अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिलता है. और सबसे यही कहूँगा कि आप लोग भी इस एग्जीबिशन के पार्ट बने, जिससे आप अपने बिजनेस को अच्छे से ग्रो कर सकें और रेडियंट के थ्रू अपने आप को भी दुनिया के सामने प्रेजेंट कर सके. क्योंकि यहाँ पे बायर्स जिस तरीके से आते हैं, अच्छा क्राउड रहता है, और ये लोग भी जिस तरीके से मेहनत करते हैं, उसमें दिखता है कि ये लोग बायर्स को लाने के अंदर कितना मेहनत करते हैं. आई विश कि हम हर साल ये करते रहे और हर साल हमको टाइटल स्पॉन्सर बनने का मौका मिले. नमस्कार, पूजा श्री से पदम भंसाली. मुझे ये दूसरा साल है, इस साल मैं इस रेडियंट का गोल्ड स्पॉन्सर बना हूँ, और जो फैशन शो रखा है, मुझे जो देवराज जी और स्टाफ समस्त रेडियंट वाले से जो रिस्पॉन्स मिला, और इस रेडियंट के प्लेटफॉर्म पे आने के बाद मुझे जो पिछले साल से इस साल ज़्यादा बहुत बेनिफिट मिले, हर तरह के बेनिफिट मिले. मेरा मार्केटिंग भी सेट हुआ, दूसरा मेरा ब्रांड भी बाजार में अंदर सेट हुआ. इसके लिए देवराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद, रेडियंट ग्रुप का पूरा पूरा धन्यवाद. और जो इस साल फैशन शो किया, ये नई चीज़ लाई, यूनिक चीज़ है. इससे एक ज्वेलरी के अंदर मेरा आइटम को पेश करने का जो मुझे जगह मिली, दिखाने के लिए जो आइडिया दिया, बहुत अच्छा लगा. थैंक्स. इस साल का 10वां साल IIJS का, और ये साल सबके लिए अच्छा है, और ये ग्रैंड सक्सेस के लिए है ना. जितना रेडियंट वाले ने मेहनत किया है, उतना लोगों ने भी है ना इसके साथ के जुड़ के मेहनत किया हुआ है.
हाय, दिस इज़ द 10th ईयर ऑफ IFJJS एंड ये अब तक का सबसे बेस्ट शो है, सबसे ज़्यादा स्टॉल्स अब की बार है और सबसे प्रॉपर क्राउड अब की बार है और एंट्री काफ़ी स्ट्रिक्ट किया है, इसका लेवल काफ़ी बढ़ाया है, अब्रॉड से भी काफ़ी कस्टमर आए हैं और इंडिया से भी काफ़ी आए हैं कस्टमर, सो वन ऑफ द बेस्ट एग्जीबिशन टिल डेट वी कैन से, और आई होप कि इसकी ग्रोथ और भी ज़्यादा अच्छी हो. My best wishes to Mr. Devraj and his team and all the Radiant teams to all. Thank you. मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा बिजनेस जो खुशिया है, इसका जो ब्रांडिंग मैंने शुरू किया ना, वो रेडियंट से ही शुरू किया था. जब उन्होंने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में उनका एग्जीबिशन था, वो शो मेरे लिए एकदम यादगार है और मैं समझता हूँ कि वहाँ से लेके अभी तक जो भी मेरी जर्नी रेडियंट के साथ हुई वो हमेशा यादगार रही है. यहाँ से ऑलवेज नए कस्टमर्स, नए क्लाइंट्स जो अलग अलग सिटीज़ से हैं वो हमें टच हुए हैं और बिज़नेस काफ़ी हमारा उससे इफ़ेक्ट हुआ है, उससे बहुत अच्छा हुआ है. रेडियंट ने इतना अच्छा फील्ड वर्क किया है आउट स्टेशन में, छोटी छोटी सिटीज़ में, कि जहाँ से लोगों को ये पता नहीं था और इन्होंने एक्सप्लोर किया है ये पूरी इंडस्ट्री को जो इनके पहले नहीं हुआ था. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. ये 10वां शो है, बहुत अच्छा शो है, बड़ा हुआ है, शो का साइज बड़ा हुआ है और फुटफॉल जो कस्टमर्स का है वो काफ़ी अच्छा रहा है और शो का एक नई हाइट पे पहुंचा शो. आशा करता हूं कि आने वाले दिनों में और ज़्यादा एग्जीबिटर्स आएंगे और अच्छे क्वालिटी बायर्स और आएंगे जिससे शो अच्छा से अच्छा बने और इंटरनेशनल का बने. बहुत अच्छा शो है और हमारे लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है. हमने लास्ट टाइम भी इसमें एग्जीबिट किया था और दिस टाइम हमने फिर इसमें एग्जीबिट कर रहे हैं. इमिटेशन ज्वेलरी के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है. ऑल द बेस्ट रेडियंट रॉक्स. मायसेल्फ पंकज, डायरेक्टर ऑफ Shagun Bangles Private Limited. Surely happy for being a part of IIFJS, for continuing taking a part of a 10th exhibition and happily making an achievement of making a part to make a success of this event. I finished my visiting cards. All the people have came and taken the visiting cards and the catalog. Right now only I'm telling that we are participating for the next year. Again, this is the 10th edition of imitation jewelry exhibition, and this particular year the response was very good. Clients from all over the India and abroad, they came, they liked the jewelry, and everyone had good business. The preparation, the decoration of stalls was wonderful. Each one of have done a good job. Particularly we, Sunrise Gold, got a good response in our 1 gram gold forming jewelry. We are the pioneer in this field, and we would like to give our customers new collections every year, and we will surely participate in the next event of Radiant Exposition. We would like this the exhibition, many more participants participate in this, so all over the customers from all over the world, from India, they will come and visit the show. From last 10 years I am participating in this event, got a very good growth year by year, and that shows we are participating each year. Through these exhibitions we get a chance to display our products. To wish Radiant Exposition that we take a very good new steps of marketing, so all the customers from all level, all over the world, they come, and particularly they concentrate on India. The customers from district level, town level, they too come over here and see our jewelry. Thank you. Going good, Abhishek bhai, Devraj sir, you all are giving nice footage to us. परफेक्टली कंज्यूमर्स कस्टमर्स आ रहे हैं, कोई भी एक्स्ट्रा फुटेज नहीं, एंड ग्रेजुअली शो इज़ लाइक इम्प्रूविंग इन इटसेल्फ. नेक्स्ट ईयर भी हम इससे बड़ा विल ट्राई टू पार्टिसिपेट एंड वी आर हैप्पी. थैंक यू. हाय, दिस इज विशाल लखोटिया फ्रॉम भारती क्रिएशंस. वी हैव लॉन्च्ड अ न्यू प्रोडक्ट कॉल्ड डांसिंग स्टोन ज्वेलरी एंड दिस एग्जीबिशन हैज़ बीन अ परफेक्ट प्लेटफॉर्म फॉर अस टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट. ओवरऑल एग्जीबिशन हैज़ बीन वेरी फ्रूटफुल फॉर अस. वी हैव हैड अ न्यूमरस inquiries and the footfall has been good, and it has been better than last year, and hopefully it will be even better next year. Okay, we wish Radiant Events very good luck for the next event. Hope we do well together. Congratulations Radiant for the 10th successful IIFJS exhibition, and it was a wonderful exhibition. The quality of crowd was really very nice, and apart from it, it was a very good response from the crowd this year. We got a very good response as far as business is concerned, and it was really a great show, and keep it up, and we always want Radiant to have more exhibitions like this in future. That's it. Thank you. Because 10 saal mein thoda stall bhi bada hai, is saal thoda
लोग भी अच्छा है, ज़्यादा लोग आ गए, टॉल भी अच्छा बढ़ा है। ये साल हर साल से 10वां साल पर अच्छा ही गया। ये एग्जीबिशन सबसे अच्छा लगा है, दूसरे से मुकाबले अपना बहुत अच्छा है और इसको इसी तरह आगे बढ़ाते रहिए तो हम लोग भी आपको और सपोर्ट करते रहिए हैं। इफ्जाज का 10वां साल हमारी कंपनी के लिए और पूरी इमिटेशन इंडस्ट्रीज के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा। ये 10 सालों में हमने बहुत से खट्टे मीठे अनुभव प्राप्त किए, दुनिया भर के लोगों से हमने संपर्क किया और सभी का हमको सहयोग मिला। ये इंडस्ट्री की ग्रोथ करने में जिन जिन का भी सहभाग रहा हम उनके आभारी हैं, उनके लिए कृतज्ञ ज्ञापन करते हैं। आने वाले सालों में हम ये इंडस्ट्री को ये एग्जीबिशन के थ्रू एक अच्छे से ऊंचे मुकाम पे ले जाने की कोशिश करेंगे और उम्मीद करेंगे कि हर एग्जीबिटर हर विजिटर हमको वैसा ही सहयोग प्रदान करें। थैंक यू। What a beautiful conclusion of the 10th edition of India International Fashion Jewelry and Accessory Show. It has been a lovely journey, a very beautiful journey of 10 years. And today we concluded the 10th edition, the decade edition of the IFJAZ show. It's a great feeling to see that all our exhibitors and visitors had a very nice experience, a great experience at the exhibition this year. And one more thing for us to be happy is the response we are getting for the coming years from all our exhibitors and visitors. मैं अपने सारे sponsors को भी बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा. All our sponsors, Omraj Rajeshwari, the title sponsor, Art India, the powered by sponsor, Pooja Shri, the gold sponsor, and Sweta Art Jewelers, the silver sponsor. Their support has been tremendous this year and all the years in the past. सारे exhibitors, सारे sponsors, सारे visitors, सभी के सपोर्ट से आज हम यहाँ पहुँचे। All we see is great success and a bigger show in the years to come. Once again, I thank everybody associated with the industry, with the exhibition, my team, the sponsors, the exhibitors, the participants, everybody, every single person associated with the exhibition. Thank you for all that you've given to make us reach here to the 10th edition of the exhibition. हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहेंगे, आने वाले सालों में हमें सही गाइडेंस देंगे, सही सपोर्ट देंगे, ताकि हम और अच्छे से परफॉर्म करें, इस शो को और ऊंचाइयों पे ले जाए, सो दैट वी टेक द शो टू इंटरनेशनल हाइट्स, इंटरनेशनल रीच एंड हैव मोर एंड मोर पीपल जॉइनिंग अस। सो सी यू सून इन द 2017 एडिशन, द 11th IFJAZ एडिशन इन August 2017. थैंक यू।